अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं बनाऊंगी कॉटन थ्रेड से। ये है शिल्पा क्रोचेट थ्रेड। ये आपको अमेज़ॉन पर या इनकी इंस्टाग्राम की स्टोर है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसकी परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और नीडल मैंने यहाँ ली है 7 नंबर 0.95 mm की। ये आपको अमेज़ॉन पर नीडल या लोकल मार्केट में ईजीली मिल जाएगी। ये जो लेस डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसे आप दुपट्टे पर, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर, साड़ी पर बना सकते हैं। ये एक बॉर्डर लेस डिज़ाइन है जो ज़्यादातर दुपट्टे पर या ड्रेस के दामन वगैरह पर बनाई जाती है। सो मैंने यहाँ कॉटन थ्रेड लिया है। आप सिल्क थ्रेड या आपके हिसाब से कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे। नीडल की निब हमें अपनी तरफ रखनी है, ऐसे राउंड लेना है एंड देन स्लिप नट लेना है। अब मैं थोड़ा नज़दीक से आपको बताती हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने नैपकिन लिया है। इसके फ्रंट साइड में आपको दुपट्टे पर जहाँ पर भी आप बनाओगे फ्रंट साइड में आपको सिंपली पहले अटैच करना है। अटैच करने के बाद लेंगे हम 3 चैन, 1, 2, 3। 3 चैन लेने के बाद ट्रिपल क्रोचेट लेंगे हम। 2 बार नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और क्रॉस में, थोड़े क्रॉस में, एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़े क्रॉस में हमें ट्रिपल क्रोचेट बना लेना है। नीडल पर हमने 2 बार धागा फोल्ड किया। अब नैपकिन में हमें एक होल करना है। अब आपको यहाँ पर नीडल पर 4 धागे दिख रहे हैं। पहले आपको नीडल पर धागा फोल्ड करके 2 धागों में से बाहर आना है, फिर 3 धागे दिख रहे हैं तो फिर आपको 2 धागों में से बाहर आना है एंड देन लास्ट में 2 धागे दिख रहे हैं, दोनों में से बाहर आ जाए। अब आपको इस तरीके का एक वी दिखेगा, ऐसा बना लेना है पहले आपको। अब हम लेंगे 3 चैन, 1, 2 एंड 3। 3 चैन लेने के बाद अब हम ये जो हमने ट्रिपल क्रोचेट बनाया है इस ट्रिपल क्रोचेट में हमें फिर से ट्रिपल क्रोचेट बनाते जाना है। फिर से हमने नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड किए। अब इसमें हम ट्रिपल क्रोचेट बनाते जाएंगे, 1, 2, 3 6, सेवन एंड ये 8 इस तरीके से। अब टोटल हम अगर यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये 9 होने चाहिए क्योंकि हमने जो 3 चैन ली है वो भी एज अ ट्रिपल क्रोचेट ही काम करेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर ये झुक रहा है उतना हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है इस तरीके से। यस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। 3 चैन लेकर थोड़े गैप पर अटैच करेंगे ये ऐसे। अब हमें लेनी है फिर से 3 चैन, 1, 2, 3। 3 चैन लेकर हम टर्न लेंगे। अब हमें ट्रिपल क्रोचेट बनाना है तो हमने 2 टाइम्स नीडल पर धागा फोल्ड किया। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3। थर्ड डबल ट्रिपल क्रोचेट के बीच का जो गैप है, ये फर्स्ट गैप, सेकंड गैप एंड थर्ड गैप, थर्ड गैप में हमें गैप के अंदर डाला है मैंने, ये देखें, इसमें हम फिर से ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे ये ऐसे। फिर हम लेंगे 3 चैन, फिर हम नेक्स्ट 1, 2 एंड 3, थर्ड गैप में हम फिर से
ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। फिर हम लेंगे थ्री चैन, 1, 2 एंड 3, और लास्ट ये जो हमने थ्री चैन का गैप लिया है इसमें हम फिर से ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे ये इस तरीके से। अब हम फिर से थ्री चैन लेंगे और फ्रंट साइड में आ जाएंगे ये इस तरीके से। अब जो हमने ये थ्री चैन ली है इस थ्री चैन के गैप में हमें फिर से ट्रिपल क्रोचेट के लिए हमें 2 टाइम्स धागा फोल्ड करना है और इस गैप में हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट बना लेनी है। 1, फिर से उसी गैप में बनाएंगे, 2, फिर उसी गैप में बनाएंगे, 3 एंड ये लास्ट 4। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर मैंने 4 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट क्यों बनाया, क्योंकि हमें जब हम इस तरीके के बिड्डे बनाते हैं तो हमें 5 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट चाहिए होते, तो हमने 4 टाइम्स इसलिए बनाया कि हमने एक थ्री चैन भी ली हुई है तो वो भी हमारी एज अ क्रोचेट ही काम करेगी। और अब हम ये जो हमने ट्रिपल क्रोचेट यहाँ पर लिया है इसके गैप में ऊपर इसमें हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने बना लिया। अब ये जहाँ पर हमने अटैच किया है ना वहीं से हम थ्री चैन लेंगे और इसी गैप में हम फिर से टू टाइम्स धागा फोल्ड करके गैप में 4 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे, 1, 2, 3 एंड ये 4। ओके, सो अब ये जो नेक्स्ट हमने ट्रिपल क्रोचेट लिया है उसके ऊपर हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से, और ऐसे ही हम अब थर्ड वाला भी बना लेंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर थ्री चैन लेनी है और इसी गैप में जहाँ पर हमने ये शुरू किया है ना उसी गैप में हमें फिर से 4 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट बना लेना है, ये 1, 2 4 इस तरीके से। अब ये जो हमने लास्ट वाला ये किया है ना इसमें हमें अटैच कर लेना है और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड हमें स्टार्ट करना है सेम ऐसे ही हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा एंड हुआ वहीं से हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम लेंगे पहले थ्री चैन, लेने के बाद नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करके क्रॉस में ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर लेंगे हम थ्री चैन, जैसे हमने यहाँ पर बनाया ना बिल्कुल वैसे ही हमें फिर से कंटिन्यू बनाते जाना है। अब हम इस ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर 8 बार ट्रिपल क्रोचेट फिर से बना लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये 8
इस तरीके से। अब हम इसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हमें 3 चैन लेनी है और थोड़े गैप पर अटैच करना है। फिर यहाँ से 3 चैन लेनी है, टर्न ले लेना है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रिपल क्रोचेट के गैप में हमें ट्रिपल क्रोचेट बना लेना है। एक हो गया, फिर 3 चैन लेनी है, फिर नेक्स्ट 3 के बाद ट्रिपल क्रोचेट बना लेना है, फिर 3 चैन लेनी है और ये जो 3 चैन का गैप है इसमें हमें फिर से ट्रिपल क्रोचेट बना लेना है। अब फिर 3 चैन लेंगे और ये इस गैप में 4 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अब ये जो ट्रिपल क्रोचेट है इसके ऊपर हम अटैच कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से फिर से लेंगे 3 चैन और यहाँ पर हम गैप में फिर से 4 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। फिर इसे नेक्स्ट ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर अटैच करेंगे। देन यहीं से हम फिर से 3 चैन लेंगे और 4 टाइम्स इसी गैप में ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 फिर यहाँ पर जो ये हमने 3 चैन का अटैच लिया है इसमें हम अटैच कर लेंगे और ये हमारा सेकेंड राउंड भी आप देखोगे कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमें आगे कंटिन्यू डिज़ाइन फॉलो करना है। अब यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं सिर्फ आपको बता दूं, 3 चैन लेना है आपको, 2 टाइम्स नीडल पर धागा फोल्ड करना है और थोड़े क्रॉस में आपको ट्रिपल क्रोचेट ले लेना है इस तरीके से। और सेम यही डिज़ाइन आपको कंटिन्यू, जितनी लेंथ आपको बनानी है बिल्कुल ऐसे ही आप कंटिन्यू फॉलो करते जाओगे। अब मैं आपको थोड़ी और लेंथ बनाकर बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इसकी थोड़ी और लेंथ बना ली है और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। आई होप कि आप लोगों को ये लेस डिज़ाइन समझ में भी आई है और अच्छी भी लगी है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है। फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस कर दे और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करके बताना कि आपको ये लेस डिज़ाइन कैसे लगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।